असलम जी आई होप यू आर डूइंग गुड दिस इज एडवोकेट उस्मान बिद एंड यू आर वाचिंग लॉ सेशन इन सेशन वी विल थ्री ऑफ सी पी सी ये रिलेटेड है रिकगनाइज एजेंट्स एंड प्लेडर से सो लेट स्टार्ट विद रूल वन अपरेंस एटसेट्रा मे बी इन परसन बाई रिकगगनाइज एजेंट और बाई प्लीडर यानी ये यहाँ पे कह रहे हैं ये जो कोर्ट में अपेरेंस वगैरह होनी है ये हेडिंग में हमें बता दिया गया है तीन तरीके से हो सकती है या तो पार्टी इन पर्सन अपीयर होगी या फिर रिकोगनाइज एजेंट अपीयर होगा उस पार्टी के बिहाफ पे या फिर प्लीडर अपीयर हो सकता है दिस द रूल स्टेट्स एनी अपीयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट तीन बातें आ गई हैं अपीयरेंस होनी है, हो है पार्टीज की या कोई एप्लीकेशन देनी है पार्टीज़ ने या कोई एक्ट किया जाना है पार्टी की तरफ से यानी तीनों काम एनी अपीयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट इन और टू एनी कोर्ट रिक्वायर्ड और ऑथोराइज बाय लॉ अब ये जो एप्लीकेशन देनी है जो अपीयरेंस होनी है या जो कोई भी एक्ट करना है किसी पार्टी ने किसी कोर्ट में या तो वो रिक्वायर्ड हो बाई द लॉ या फिर ऑथोराइज किया हो लॉ ने दोनों सूरतों में अब ये रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि कोर्ट ने अगर किसी को कॉलअप किया किसी पार्टी को तो ये रिक्वायरमेंट है कोर्ट की उसने अपीयर होना है या फिर अगर तो कोई पार्टी कोर्ट को अप्रोच करना चाहती है और उसके पास ये राइट right है तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे आ जाता है ऑथोराइज है बाई लॉ वो तो इन दोनों सूरतों में सो एनी अपीयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट इन और टू एनी कोर्ट रिक्वायर्ड और ऑथोराइज बाई लॉ टू बी मेड और डन बाई अ पार्टी इन सच कोर्ट मे एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन्फोर्स बी मेड और डन बाई द पार्टी इन परसन पहली बात तो ये है कि ये तीनों काम पार्टीज़ की अपेयरेंस हो सकती है उसके लिए पार्टीज इन परसन जा सकती हैं या कोई एप्प्लीकेशन देनी है या कोई एक्ट करना है ये पार्टी इन परसन कर सकती है सेकेंडली और बाई हिस रिकगनाइज एजेंट या फिर जो उस पार्टी का रिकगनाइज एजेंट होता है वो भी ये तीनों काम कर सकता है कोर्ट में अपियर हो सकता है पार्टीज के पे कोई एप्लीकेशन दे सकता है या कोई भी किसी किस्म का एक्ट वो कोर्ट के अंदर कर सकता है और आ, और थर्ड वन और अ प्लीडर अपीयरिंग अप्लाइंग और एक्टिंग एज द केस में भी ऑन हिज बिहाफ सो यहाँ पे इस रूल वन में हमें जनरल रूल ये बता दिया गया किसी की किसी भी पार्टी ने अगर कोर्ट में अपीयर होना है उसकी आ, 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 उसने कोर्ट में अपीयर होना है कोई एप्लीकेशन देनी है या कोई भी दूसरा एक्ट करना है तो उसके या तो उसका तरीका ये है कि वो खुद अपीयर हो जाए इन पर्सन ये तीनों काम कर लें या फिर वो अपने रिकग्नाइज एजेंट के थ्रू कर सकते हैं या प्लीडर के थ्रू कर सकते हैं इन तीनों के थ्रू इन तीनों मोड्स के थ्रू ये काम हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन इसी रूल वन में थी एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन्फोर्स लेकिन अगर किसी लॉ में ये कहा गया है कि इसके उलट जाके कि नहीं फॉर इंस्टेंस किसी लॉ में अगर ये कहा है कि पार्टीज़ ने ख़ुद अपीयर होना है या पार्टीज़ ने खुद एप्लीकेशन देनी है तो वहाँ पे वो ये एक्सेप्शन तो रखी गई है बट जनरल रूल यही है कि ये तीनों काम अपीरेंस एप्लीकेशन और एक्ट जो है वो पार्टीज़ ख़ुद भी कर सकती हैं उनके रिकगनाइज एजेंट्स भी कर सकते हैं और प्लीडर भी कर सकता है अब इसके साथ जो रूल वन के प्रोवाइजो ऐड की गई है प्रोवाइडेड दैट एनी सच अपीयरेंस शेल इफ़ द कोर्ट सो डायरेक्ट बी मेड बाई दार्टी इन परसन ये प्रोवाइजो में एक बात यहाँ पर जो ऐड की गई है वो ये कहा गया कि जहाँ पर कोर्ट डायरेक्ट करेगी किसी पार्टी ने इन पर्सन अपीयर होना है तो फिर वो इन पर्सन ही अपीयर होंगे ये नहीं हो सकता कि हम रूल वन के अकॉर्डिंगली वहाँ पे भी अपने रिकग्नाइज एजेंट को भेज दें या प्लीडर अपने वकील साहब को ही कहें कि आप अपीयर हो जाओ नहीं जहाँ पे कोर्ट ने कह दिया कि आपने इन पर्सन किसी पार्टी को कह दिया कि आप इन पर्सन पेश हो तो वो फिर इन पर्सन ही पेश होंगे रूल टू रिकगनाइज एजेंट्स अब ये रिकगनाइज एजेंट्स होते क्या हैं ये रूल टू में बताया गया है दी रिकगनाइज एजेंट्स ऑफ पार्टीज बाई होम सच अपेयरेंसेज अप्लीकेशंस एंड एक्ट्स मे बी मेड और डन आर अब कौन कौन से हैं नीचे दो किस्म के रिकगनाइज एजेंट्स बताए गए हैं नंबर वन पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटोर्नी ऑथोराइजिंग दैम टू मेक एंड डू सच अपेयरेंस एप्लीकेशंस एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच पार्टीज पहली बात तो आ गई कि ऐसे पर्सन जिनको किसी पार्टी की तरफ से पावर ऑफ अटारनी दे दिया गया हो वो रिकगनाइज एजेंट होंगे अब ये पावर ऑफ़ अटोर्नी इसको आम जुबान में मुख्तार आम कहते हैं दो टाइप का हो सकता है मुख्तार आम खास भी हो सकता है और आम भी हो सकता है सो so, हमने प्रैक्टिस में भी हम यहाँ पे देखते हैं जब पार्टीज़ फ़ॉर इंस्टेंस एक पार्टी है जो सूट फाइल करना चाहती है या जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है वो पाकिस्तान में उसकी रिहाइश नहीं है वो अब्रॉड रहती है तो यहाँ पे वो पार्टी किसी भी पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकती है कि आप मेरे बिहाफ़ पे कोर्ट में पेश हों इस सूट को इस प्रोसीडिंग्स को आप परसू करें सो so ये पावर ऑफ टॉर्नी जिस पर्सन को दिया जाता है वो रिकगनाइज एजेंट माना जाएगा उस पार्टी का पहली बात नंबर टू अब ये पर्सनस कैरिंग ऑन ट्रेड और बिजनेस फॉर और इन द नेम्स ऑफ द पार्टीज ऐसे पर्सनस जो पार्टी के नाम पे कोई ट्रेड कर रहे हो या बिजनेस uh, कर रहे हो या उनके लिए कर रहे हो पार्टी के नाम पे कर रहे हो या पार्टी के लिए कर रहे हो वो भी रिकग्नाइज एजेंट्स होंगे पर्सनस कैरियंग ऑन ट्रेड और बिजनेस फॉर एंड इन द नेम ऑफ पार्टीज नॉट रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जो जो पार्टीज रेजिडेंट uh, uh, नहीं है उस कोर्ट की लोकल जो उनकी लिमिट है उसके दौरान uh, उसमें उनकी रेजिडेंस नहीं है तो ऐसे पर्सन जो उस पार्टी के नाम पे बिज़नेस कर रहे हैं या उस पार्टी के लिए बिजनेस कर रहे हैं वो उनके रिकगनाइज एजेंट्स होंगे इन द नेम्स ऑफ नॉट रेजिडेंट विद द लोकल लिमिट्स ऑफ द जोरिस्टिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच लिमिट्स द अपीरेंस एप्लीकेशन और एक्ट इज़ मेड और डन यानी वो कोर्ट जिसकी जिस, जिस कोर्ट में जिस कोर्ट में ये अपीरेंस होनी है या एक्ट होना है या एप्लीकेशन दी जानी है उसकी लोकल लिमिट्स में अगर वो पार्टीज रिजाइड नहीं करती तो ऐसे पर्सन जो उनके नाम पे बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वो रिकगनाइज होंगे एजेंट उनके इन मैटर्स कनेक्टेड विद सच ट्रेड और बिजनेस लेकिन यहाँ पे सात कंडीशन ये लगा दी है कि ऐसे मैटर्स में वो रिकग्नाइज एजेंट्स माने जाएंगे जो उस ट्रेड या उस बिजनेस के ही रिलेटेड मैटर कोर्ट में प्रसू किया जा रहा है उससे रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग्स या कोई केस वगैरह चल रहा है ओनली इन मैटर्स कनेक्टेड विद सच ट्रेड और बिजनेस ओनली वेयर नो अदर एजेंट इज़ एक्सप्रेसली ऑथराइज टू मेक एंड डू सच अपेयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट्स देखें दो किस्म के यहाँ पर रूल टू में रिकग्नाइज एजेंट्स बता दिए गए पहले वो जिनको पावर ऑफ अटोर्नी दिया जाएगा पार्टी की तरफ से वो रिकग्नाइज्ड एजेंट होंगे दूसरे वो पर्सनस रिकग्नाइज एजेंट माने जाएंगे जो कि उस पार्टी के नाम पर कोई बिज़नेस कर रहे हो या उस पार्टी के लिए कोई बिजनेस कर रहे हैं और जिस कोर्ट में ये सारी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनमें उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स पे वो पार्टी की रेजिडेंस नहीं है तो सिर्फ जो मैटर्स कनेक्टेड होंगे उसी ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड उनमें वो रिकग्नाइज्ड एजेंट्स माने जाएंगे बट यहाँ पे एक और कंडीशन भी थी कि वहाँ पे कोई और उस पार्टी की तरफ से रिकगनाइज एजेंट अपॉइंट ना किया गया तो इस सूरत में ऐसे पर्सन जो उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर उस पार्टी के नाम पे जो बिज़नेस कर रहे होंगे वो रिकग्नाइज एजेंट्स माने जाएंगे रूल थ्री सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकग्नाइज एजेंट्स अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो रिकेगनाइज एजेंट हम रूल टू में पढ़ के आ रहे हैं इन पे सर्विस वगैरह जो होगी कोर्ट के प्रोसेस की उसका क्या uh, तरीकाकार है uh, सब रूल वन प्रोसेस सर्व्ड ऑन द रिकनाइज एजेंट ऑफ अ पार्टी शेल बी एज फैक्चुअल एज इफ़ द सेम हैज बिन सर्वड ऑन द पार्टी इन पर्सन देखें वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस जो कि प्रोसेस सर्वर इन पे किए जाएंगे रेकग्नाइज एजेंट्स पे वो ऐसे ही कोर्ट प्रज्यूम करेगी कि जैसे पार्टीज पे इन पर्सन किए जा रहे हैं फॉर इंस्टेंस कोई नोटिस वगैरह कोर्ट ने भेजना है तो वो अगर तो रिकग्नाइज एजेंट पे सर्व करवा दिया तो इसका मतलब यही होगा कि वो पार्टी पे इन पर्सन सर्व हो गया कल को पार्टी आके ये नहीं कह सकती कि जी हमें तो पता ही नहीं लगा अगर रिकगनाइज एजेंट पे भी वो सर्व कर दिए गए हैं तो यही माना जाएगा कि जी वो पार्टी पे इन पर्सन सर्व हो गए अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट लेकिन कोर्ट की यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट हो सकता है अगर कोर्ट मुनासिब समझे तो वो ये भी कह सकती है कि नहीं उस पार्टी पे जाके इन पर्सन ही करो लेकिन अगर रिकग्नाइज एजेंट्स पे सर्व कर दिए गए हैं तो माना जाएगा कि ये पार्टीज पे ही सर्व हो गए हैं सब रूल टू द प्रोविजन्स ऑफ द सर्विस ऑफ प्रोस प्रोसेस ऑन अ पार्टी टू अ सूट शेल अप्लाई टू द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन हिज रिकगनाइज एजेंट सब रूल टू में यही कह दिया गया कि जो प्रोसेस सर्व करने का सारा प्रोसीजर है ना पार्टीज पे वो ही सारा प्रोसीजर अप्लाई होता है रिकगनाइज एजेंट्स पर भी उसी तरह उन पर भी ये प्रोसेस जो है वो सर्व किए जाएंगे नेक्स्ट रूल फोर अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर अब ये प्लीडर क्या होते हैं रिकगनाइज एजेंट्स क्या होते हैं वो हमने रूल टू में पढ़ लिया है लेकिन अब प्लीडर्स क्या होते हैं देखें अगर हम सेक्शन टू सी पी सी का देखें वो डेफिनेशन क्लॉज जो है उसमें आई थिंक सेक्शन सेक्शन फिफ्टीन है प्लीडर्स से रिलेटेड प्लीडर्स होते हैं क्या वकील वगैरह तो सेक्शन टू सेक्शन फिफ्टीन प्लीडर मीनज एनी पर्सन एंड टाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर एनअर इन कोर्ट ऐसा भी कोई भी पर्सन जो कि किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे कोर्ट पर अपीयर हो सकता है वो इस अहल होता है एंड इनकलूड्स एन एडवोकेट वकील एंड अटोर्नी ऑफ हाई कोर्ट सो ये तीनों इंक्लूडेड होते हैं यानी वकला वगैरह जो कोर्ट में पेश होते हैं वो प्लीडर्स मिन वो प्लीडर्स होते हैं अब ये रूल फोर में ये बताया गया कि इनको अपॉइंट कैसे करना है सब रूल वन नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन इन एनी कोर्ट पहली बात यह कह दी गई कि, कि कोई भी प्लीडर है किसी पर्सन को कोर्ट में प्लीड नहीं करेगा उसके बिहाफ पे एक्ट नहीं करेगा अनलेस लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है अनलेस ही हैज़ बिन अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस बाय सच पर्सन बाय ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय सच पर्सन तो कोई भी वकील ऐसा नहीं हो सकता कि उसको ड्यूली अपॉइंट ना किया गया हो किसी पार्टी की तरफ से एस प्लीडर और वो कोर्ट में जाके प्लीड करना शुरू कर दे उसके भी आप पे एक्ट करना शुरू कर दे उसके भी आप पे अप्लीकेशन वगैरह देना शुरू कर दे ऐसे नहीं होता यहाँ पे भी क्लियर कट वर्ड्स में ये कह रहे हैं कि जिस पर्सन जिस प्लीडर ने किसी पार्टी को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है उसके बिहाफ पे अपीयर होना है उसके बिहाफ पे प्लीडिंग्स करनी है उसके बिहाफ पे कोई एक्ट्स वगैरह करने हैं तो उसके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस पार्टी की तरफ से साइन किया गया अब इसको हम कहते हैं वकालतनामा ये वकालतनामे की बात कर रहे हैं वकालतनामे के बगैर कोई वकील किसी पार्टी को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता उनके ब्याप पे कोई काम नहीं कर सकता वो ड्यूली उस पार्टी की तरफ से साइन होने चाहिए और बाई हिज़ रिकगगनाइज एजेंट या फिर उनको रेकग्नाइज एजेंट जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं वो भी साइन कर सकते हैं किसी वकालतनामे को और बाई सम अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज़ ऑथराइज्ड या किसी भी तीसरे बंदे की तरफ से जिसको ड्यूली ऑथराइज किया गया हो उस पार्टी की तरफ से कि आप वकालतनामा साइन करो वो कर सकते हैं और अंडर अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू मेक सच अपॉइंटमेंट या किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के अंडर किसी पर्सन को ऑथोराइज किया गया हो कि आप ये वकालतनामा जाके साइन कर दो तो वो कर सकता है आप जाके वकील अपॉइंट करो सो तो, so, पहली बात अपॉइंट कैसे करना है उसके लिए वकालतनामा होना ज़रूरी है उस वकालतनामे पे साइन होने चाहिए उस पार्टी के उस पार्टी के होने चाहिए या फिर उसके जो रिप्रेजेंट रिकगनाइज एजेंट्स होते हैं उनकी तरफ से होने चाहिए या किसी ऐसे पर्सन की तरफ से होने चाहिए जो ड्यूली ऑथोराइज हो उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो वो अपॉइंट कर सकता है अप वकालतनामे के बगैर कोई वकील किसी पार्टी को कोर्ट में रिप्रजेंट नहीं कर सकता Every uh, sub rule two, every such appointment shall be filed in court. ये जो appointment है, यानी ये जो वकालतराम है, ये court में submit करवाना होता है। जब भी हमने obviously पहली दफा अपीयर होते हैं किसी पार्टी के बिहाफ तो हम कोर्ट में अपना वकालतनामा सबमिट करवाते हैं सो so यही बात कह रहे हैं कि ये ऐसा भी नहीं है कि वो वकालतनामा साइन करके वकील साहब ने अपनी जेब में रख लेना वो जेब में नहीं रखना वो कोर्ट में सबमिट करवाना होता है एवरी सच अपॉइंटमेंट शेल बी फाइल्ड इन द कोर्ट एंड शेल बी डीम्ड टू बी इन्फोर्स अनटिल दटरमेंट विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाई राइटिंग साइंड बाई द क्लाइंट और द प्लीडर एज द केस में भी एंड फाइल्ड इन दर्ट एंड अनटिल द क्लाइंट और द प्लीडर डाइज और अनटिल ऑल प्रोसीडिंग्स इन सूट आर एंड सो फार एज रिगार्ड्स द क्लाइंट देखें यहाँ पे अब इस सब रूल टू में एक तो ये बात आ गई कि हमने कोर्ट में वकालतनामा सबमिट करवाना दूसरा अब ये वकालतनामा वकालत कब तक कंटिन्यू करेगा इसमें एक बात आ गई है कि अगर तो वो जो पार्टी है उसकी डेथ हो जाए या फिर प्लीडर है उसकी डेथ हो जाए फिर ये वकालत रामा ख़त्म हो जाएगा या फिर उस क्लाइंट के रिगार्डिंग जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी कंप्लीट हो जाए उस सूरत में ये वकालतनामा ख़त्म होगा अदरवाइज़ ये वकालतनामा कंटिन्यू रखेगा देखिए अब एक वैसे भी जनरल प्रैक्टिस बता दूँ कि जब हमने वकालतनामा देना होता है तो उसको अगर तो हम उस पार्टी को फर्दर रिप्रेजेंट नहीं करते तो हमें चाहिए कि हम उस वकालतनामे को कोर्ट से विदड्रॉ करें प्रॉपरली ये होता है अब यहाँ पर जो कहा गया है कि अगर तो दोनों वकील या फिर उस पार्टी की डेथ हो जाए तो वह वकालतनामा ख़त्म हो जाएगा या फिर सारी प्रोसीडिंग्स उस क्लाइंट के रिगार्डिंग जो है, उस मैटर में वो ख़त्म हो जाए तो फिर वो कंसिडर किया जाएगा ख़त्म हो गया वकालतनामा सब रूल थ्री अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि देखें जो सब रूल टू था उसका लास्ट पार्ट में था अनटिल ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सूट आर एंडेड सो फार एज रिगार्ड द क्लाइंट अब यहाँ पे सब रूल थ्री में इस प्रोसीडिंग्स को फर्दर जाके एक्सप्लेन किया गया है फॉर दर्पज ऑफ सब रूल टू यानी सब रूल टू के लिए एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट किसी application, कोई एप्लीकेशन अगर दी गई है रिव्यू किसी जजमेंट को रिव्यू करने के लिए एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन वन फोर्टी फोर या किसी अंडर सेक्शन वन फोर्टी फोर कोई अगर एप्लीकेशन दी गई है फॉर द रेस्टिट्यूशन और सेक्शन वन फी टू अब ये सेक्शन वन फिफ्टी टू की अगर एप्लीकेशन दी गई है किसी जजमेंट को डिक्री को अमेंड करने के लिए यानी उसमें अगर कोई क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं तो अंडर 152 ये एप्लीकेशन दी जा सकती है तो यहाँ पे कहा गया है फॉर द पर्पस ऑफ़ ऑफ सब रूल टू एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू जजमेंट को रिव्यू करने की एप्लीकेशन हो 144 की रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन हो या वन की एप्लीकेशन हो और इसके बाद आ जाता है एनी अपील फ्रॉम एनी डिक्री और ऑर्डर इन सूट कि उस सूट के बाद ऑब्वियसली जब डिग्री पास हो गई या जजमेंट आ गया तो उसको अगर चैलेंज किया जा रहा है अपील में वो हो एंड एनी एप्लीकेशन और एक्ट फॉर दर्पज़ ऑफ अपटेनिंग कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स कोई डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ वगैरह लेने के लिए कोई एक्ट किया जाना हो और रिटर्न ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड और फाइल्ड इन द सूट या फिर सूट की प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं फ़ाइल किए गए हैं उनको वापस लेना चाहते हैं तो उनके लिए और ऑफ ऑप्टेनिंग रिफंड ऑफ मनीज पेड इन टू द कोर्ट इन कनेक्शन विद द सूट शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग्स इन सूट या फिर अगर कोई कोर्ट में कोई पैसे वगैरह को मनी वगैरह जमा डिपॉजिट करवाई गई है तो उनको वापस लेने के लिए ये जितने भी मैटर्स इस रूल सब रूल थ्री में बताए गए हैं ये उस प्रोसीडिंग्स में आते हैं यानी उस एक सूट में जो वकालतनामा दिया है उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट वापस लेना है आपने कोई अगर एप्लीकेशन देनी है 144 फोर्टी फोर की वन की पे कोई मनी वगैरह जो जमा करवाई है उसको वापस लेना है कोई डॉक्यूमेंट वापस लेने हैं तो उनके लिए हर मैटर के लिए हर एक्ट के लिए आप नई एप्लीकेशन के साथ नया वकालतनामा भी दें नहीं वो कह रहे हैं एक सूट में जो सारी प्रोसीडिंग्स होंगी उस ये भी इंक्लूड है अब यहाँ पे जो अपील भी यूज की गई है कि अगर सेम वकील है तो फिर तो वकालत नामा दोबारा नया देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम प्रोसीडिंग्स कह रहे हैं बट इन जनरल प्रैक्टिस जब अपील में जाते हैं तो वहाँ पर नया ही वकालतनामा होता है सो so, प्रोसीडिंग्स में क्या इंक्लूड है प्रोसीडिंग्स में रिव्यू करना हो कोई 144 की एप्लीकेशन देनी हो 152 की एप्लीकेशन देनी हो अपील करनी हो एप्लीकेशन देनी हो कोई कॉपीज डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापस लेने हो कोई पैसे रिफंड वगैरह करवाने हो तो ये सारे मैटर्स इसी में इंक्लूड होंगे प्रोसीडिंग्स में सब रूल फोर द हाई कोर्ट में बाई जनरल ऑर्डर डायरेक्ट दैट वेयर द पर्सन बाई होम अपीडर इज अपॉइंटेड इज अनएबल टू राइट हिज नेम यहाँ पर कह रहे हैं के समटाइम्स ऐसे होते हैं ना ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते और वो अपने साइन वगैरह नहीं कर सकते अपना नाम नहीं लिख सकते तो वो वकालतनामे पे अपने थंब इंप्रेशन अपने अंगूठे लगाते हैं तो ये उससे रिलेटेड कह रहे हैं तो हाई कोर्ट में बाय जनरल ऑर्डर हाई कोर्ट एक जनरल ऑर्डर के थ्रू डायरेक्ट कर सकती है कि जहाँ पे कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट uh, uh, कर रहा है किसी प्लीडर को जो कि लिख पढ़ नहीं सकता अनेबल टू राइट हिज़ नेम हिज़ मार्क अपॉन द डॉक्यूमेंट ऑफटेनिंग द प्लीडर शेल बी अटेस्टेड तो वो जो अंगूठा लगाएगा जो थम्ब इम्प्रेशन अपने साइन या नाम की जगह लगाएगा उसको अटेस्ट किया जाएगा शेल बी अटेस्टेड बाय सच पर्सन एंड इन सच अ मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द ऑर्डर तो उनके उसके अंगूठे को टेस्ट करने के लिए कोई जो प्रोसीजर्स बताए गए हैं वो उसके उसके अकॉर्डिंगली उस वकालतनामे पे जो अंगूठा लगा है उसको टेस्ट किया जाएगा सब रूल फाइव नो प्लीडर हु हैज़ बिन एंगेज फॉर द परपज़ ऑफ प्लीडिंग ओनली शेल प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी अनलेस ही हैज़ फाइल्ड इन कोर्ट अम मेमोरेंडम ऑफ अपीरेंस साइन बाई हिमसेल्फ एंड स्टेटिंग यहाँ पे सबर उल फाइव में कह रहे हैं कि अगर किसी प्लीडर को सिर्फ प्लीडिंग के लिए अपॉइंट किया गया यानी दावा जवाब दावे की अब तक उसको अपॉइंट किया है तो वो इससे फ़र्दर नहीं प्रोसीड प्लीड कर सकता उस पार्टी को जब तक कि वो मेमोरेंडम ऑफ अपीरेंस नहीं कोर्ट में देता वो मेमोरेंडम ऑफ अपीरेंस जो उसने देना है वो उसने ख़ुद ने भी साइन करना है और उसमें क्या लिखा होना है द नेम्स ऑफ पार्टीज टू दूट पार्टीज़ के उस सूट में जो पार्टीज़ का नाम है वो लिखा हो द नेम ऑफ द द नेम ऑफ़ पार्टी फॉर होम ही अपीयर्स जिस पार्टी की तरफ से वो अपीयर हो और अ द नेम ऑफ द पर्सन बाई होम ही इज़ ऑथराइज टू अपीयर और उस पर्सन का भी नाम लिखेगा जिसकी तरफ से उसको ऑथोराइज़ किया गया कि आप हमारे बिहाफ पे अपीयर हो अब इसके साथ जो प्रोवाइजो अटैच की गई है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शेल अप्लाई टू एनी प्लेडर इंगेज टू प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी बाई एनी अदर प्लीडर हुज़ बिन ड्यूली अपॉइंटेड टू एक्ट इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच पार्टी अब यहाँ पर जो प्रोवाइजर अटैच की गई इसमें यहाँ कहा गया कि अगर किसी पार्टी ने किसी प्लीडर को ड्यूली अपॉइंट किया है तो वो फर्दर आगे किसी और प्लीडर को कह सकता है वो उसके बिहाफ पर अपियर हो यानी जूनियर वकील वकील वगैरह जो अपीयर होते हैं तो वो अपना वकालतनामा तो नहीं देते वो उस प्लीडर के बिहाफ पे अपर होते हैं तो यही बात इसमें कहा गई है प्रोवाइडेड दैट अब ये जो ये सब रूल फाइव की बात कर रहे हैं प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू एनी प्लीडर इंगेज टू प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी बाई एनी अदर प्लीडर ू हैज़ बिन ड्यूली अपॉइंटेड टू एक्ट इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच पार्टी सो ये जो जूनियर वकील वगैरह आते हैं उनको ज़रूरी नहीं होता कि वो जा कर वकालतनामा भी अपना दें क्योंकि जो वकील जो प्लीडर ड्यूली अपॉइंट हुआ वो किसी दूसरे प्लीडर को भी कह सकते कि आप मेरी जगह पर अपीयर हो जाओ दैन रूल फाइव सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर पहले हमने पढ़ा था सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकगनाइज एजेंट कि वो <coughs> कि वो अगर उन पे सर्विस हो गया तो यही समझा जाएगा कि वो पार्टी इन पर्सन उसी पे हो गई है अब यहाँ पे ये प्लीडर पे सर्विस की बात कर रहे हैं एनी प्रोसेस सर्वड ऑन द प्लीडर ऑफ एनी पार्टी और लेफ्ट एट द ऑफिस की यानी किसी को अगर कोई भी प्रोसेस सर्व किया गया उस प्लीडर प्लीडर पे लेफ़्ट एट इस हाउस उस ऑफिस उसके ऑफिस पे सर्व कर दिया गया और ऑर्डनरी रेजिडेंस ऑफ सच प्लेडर या उस वकील साहब की रेजिडेंस पे वो सर्व कर दिया गया वो प्रोसेस एंड वेदर द सेम इज़ फॉर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द पार्टी और नॉट और ये भी बात मैटर नहीं करती कि वो पार्टीज़ की पर्सनल अपीरेंस से रिलेटेड है या नहीं है शेल बी पज्यूम टू बी ड्यूली कम्युनिकेटेड एंड तो ये भी प्रज़्यूम किया जाएगा देखें वकील यहाँ पे सब रूल फाइव में ये कह रहे हैं कि अगर तो प्लीडर पे उसके ऑफिस पे छोड़ दिया गया उसकी रेजिडेंस जा जाके वो सर्व कर दिया गया है जो कोर्ट की तरफ से भेजा गया था तो यही माना जाएगा उस पार्टी पे ही सर्व हो गया जैसे रिकगनाइज एजेंट का था शेल बी पज्यूम टू बी ड्यूली कम्युनिकेटेड एंड मेड नोन टू द पार्टी होम दीडर रेप्रजेंट तो यही माना जाएगा कि ये ड्यूली सर्व हुआ है और उस पार्टी को पता लग गया भी हमारे पास ये नोटिस वगैरह आ गए हैं एंड अनलस द कोट अदरवाइज डायरेक्ट लेकिन हो सकता है कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट कर दे शेल बी एज एफेक्चुअल फॉर ऑल परपजेज एज इफ द सेम हैिवन और सर्वड ऑन द पार्टी इन पर्सन वही बात आ गई कि अगर वकील साहब पे वो प्रोसेस वगैरह सर्व कर दिया गया ना तो यही माना जाएगा कि उस पार्टी पे इन पर्सन हो गया उसके वकील साहब के ऑफिस पे भी किया जा सकता है इन पर्सन उनको कहा भी जा सकता है और उनकी रेजिडेंस पे भी अगर सर्व कर दिया गया लास्ट रूल रूल सिक्स एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस ये इंपॉर्टेंट है सब रूल वन बिसाइड बिसाइड्स द रिक्नाइज एजेंट्स डिस्क्राइब्ड इन रूल टू

विद इन द जुरिस्टिक्शन ऑफ द कोर्ट मे बी अपॉइंटेड एज ए एन एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ प्रोसेस तो किसी भी पर्सन को देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो रूल टू में बताए गए थे रिकगनाइज एजेंट उनके अलावा अगर कोई और पर्सन भी उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर रहता है तो उसको भी रिकग्नाइज्ड एजेंट बनाया जा सकता है नंबर टू रूल सब रूल टू अपॉइंटमेंट टू बी इन राइटिंग अब ये जो अपॉइंटमेंट करनी है ये इन राइटिंग में करनी है एंड टू बी फाइल्ड इन कोर्ट और ये कोर्ट में सबमिट करवानी है देखिए जो भी इस किस्म के काम होते हैं ना वकालतनामा साइन करवा रहे हो किसी को आप पावर ऑफ अटोर्नी दे रहे हो ये सारे काम सिर्फ अपनी हद तक ही नहीं होते कि एक दूसरे के साथ करके रख लिए ये यहाँ पर इनको हमें कोर्ट को भी इसको इंटीमेट करना होता है ये कोर्ट में हम सबमिट करेंगे फाइल करेंगे तो ही कोर्ट को पता लगेगा यही बात इसने कही है कि किसी भी पर्सन को जैसे यहाँ पे रूल सब रूल वन में कह रहे थे कि अपॉइंट किया जा सकता है रिकगनाइज एजेंट का जो उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स में रहता हो सब रूल टू में ये कहा है कि इन राइटिंग करना है और कोर्ट में फ़ाइल भी करना है सच अपॉइंटमेंट मे बी स्पेशल और जनरल अब ये जो अपॉइंटमेंट करनी है उस पर्सन की वो स्पेशल भी हो सकती है यानी किसी ख़ास पर्सन ख़ास मकसद के लिए कि सिर्फ आपने जो नोटिस वगैरह आने हैं उस हद हाँ तक या जनरल कर सकते हैं कि आप उनके बिहाफ पे भी अपीयर हो सकते हो तो ये तो पार्टी की मर्जी होती है एंड शेल बी डी शेल बी मेड बाई एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइन बाई द प्रिंसिपल तो अब ये जो पावर ऑफ टॉर्नी होता है ना जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है एक टाइप है ये उसी की बात है कि एक प्रिंसिपल होता है वो अपना एक एजेंट उसको अपॉइंट कर सकता है किसी बंदे को कि मेरे बिहाफ पे आप ये ये काम करो तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि ये जो आपने अपॉइंट करना है ना जो पावर ऑफ अटॉर्नी देना है वो स्पेशल भी हो सकता है वो जनरल भी हो सकता है वो कोर्ट में आपने सबमिट करवाना है और एंड सच इंस्ट्रूमेंट और इफ़ द अपॉइंटमेंट इज जनरल सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ शेल बी फाइल्ड इन द कोर्ट यहाँ पे कह रहे हैं अगर तो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं अगर तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो आप किसी पर्सन को दे रहे हैं वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो फिर इस सूरत में हर हाल में उसको कोर्ट में सबमिट करना ही करना होगा लेकिन स्पेशल भी हो तो उसको हम कोर्ट में सबमिट करवाते होते हैं यहाँ पे जनरल के रिगार्डिंग वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि उसको लाजमी अपने कोर्ट में सबमिट करवाना है सब रूल थ्री द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ सूट कोर्ट किस सूट की किसी भी स्टेज पे एंड वेदर अपॉन एप्लीकेशन मेड टू इट और या तो कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई हो और ऑफ इट्स ओन मोशन या फिर वो खुद भी डायरेक्ट एनी पार्टी टू द सूट किसी सूट की पार्टी को डायरेक्ट कर सकती है नॉट हैविंग ए रेकग्नाइज्ड एजेंट रिजाइडिंग विद इन दी ड्यूरिस्ट्रिक्शन ऑफ द कोर्ट देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सूट चल रहा है उसकी किसी भी स्टेज पे कोर्ट क्या कर सकती है या तो कोई पार्टी अगर किसी ने एप्लीकेशन दी है कि इनका रिकग्नाइज्ड एजेंट ही नहीं है जी उसको इनको कहें वो अपॉइंट करें या फिर कोर्ट खुद भी ऑन इट्स ओन मोशन किसी पार्टी को कह सकती है कि भाई अपना कोई रिकग्नाइज एजेंट अपॉइंट करो नॉट हैविंग अ रिकग्नाइज एजेंट रिजाइडिंग विद इन द जोरिस्ट्रिक्शन ऑफ द कोर्ट यानी कोर्ट की जोरिस्ट्रिक्शन में अगर कोई उनका फॉर इंस्टेंस एक बंदा बैठा है अब्रॉड और उसका कोई रिकगनाइज एजेंट ही नहीं अपॉइंट तो यहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है उस पार्टी को कि जो किसी एक ऐसे पर्सन को रिकगनाइज एजेंट अपॉइंट करो जो कोर्ट की जो में रहता हो ताकि नोटिसज़ वगैरह सर्व करवाने हैं तो वो उस पर कर दिए जाएँ ये तो नहीं कि हर बार नोटिस भेज दिया जाए अब्रॉड और वो पहुँचे महीने महीने बाद तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि जो रिकगनाइज एजेंट कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि मेरी जो जुरिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर आप अपना कोई रिकगनाइज एजेंट जो है अपॉइंट करो टू अपॉइंट विद इन इन विद अ टाइम टू बी स्पेसिफाइड एन एजेंट विद इन द विद्रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कोर्ट टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन हिज बिहाफ वही बात आ गई ना कि कोर्ट टाइम भी बता सकती है अभी एक महीने के अंदर अंदर अपना कोई ना रिकगनाइज एजेंट इस मेरी जुरिस्टिक्शन के अंदर अंदर अपॉइंट करो जिस जिसपे मैं अगर कोई नोटिस वगैरह भेजनी हो तो मैं उसको भेज दूँ और वो आपके बिहाफ पर उनको रिसीव करे एवरी अपॉइंटमेंट मेड अंडर sub रूल द provisions ऑफ सब रूल टू shall बी applicable. सो so, जो प्रोविजन है सब रूल टू की यानी वो जो पावर ऑफ attorney देना है उसको साइन करके देना है वो सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर रूल थ्री में भी पूरी होनी है सो so, ये था कि एजेंट सब रूल सिक्स इसमें सिंपल बात ये बताई गई है कि अगर कोई पार्टी कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन से बाहर रहती है और उसने अपना कोई कोर्ट की जो लोकल जो है उस टेरिटोरियल जो जो है उसके अंदर उसका कोई रिकगनाइज एजेंट ही नहीं है तो यहाँ पे कोई भी कोर्ट खुद भी उस किसी पार्टी को कह सकती है कि भाई अपना रिकग्निइज्ड एजेंट करो ताकि हमने जो नोटिस वगैरह भेजने हैं हम उस बंदे को भेज दें और आपको पता लग जाए और टाइम लिमिट भी बता सकती है इतने टाइम लिमिट के अंदर करना है और ये जो अपॉइंट करना है ये ए, इसका प्रोसेस वही लगता है जो सब रूल टू में रूल सिक्स में बताया गया कि पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे उस पर साइन वगैरह होंगे और फिर वो कोर्ट में सबमिट करवाएँगे सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट ऑर्डर थ्री थैंक यू वेरी मच टेक केयर अल्लाह